नमस्कार, मैं हूँ संध्या और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँ कि ये जो हमारा गांव के तरीके का जो अचार है, इसकी खुशबू से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से बनाने के लिए शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें, तभी आप इसको बिल्कुल गाँव के तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक कच्चे आम ले लिए 1.5 किलो, या 7 से 8 आप आम ले सकते हैं। और अच्छी प्रकार से हमको इनको साफ़ पानी में धो लेना है। धोने के बाद इसमें बिल्कुल भी पानी ना रह जाए, ये सूख जाए। इनको आप चाहे कपड़ों से पोंछ लीजिए और इनको इसी प्रकार से कट कर लीजिए 4 भागों में। नीचे से ये जुड़े रहेंगे। और अब हमने एक भगोने में पानी गर्म कर लेना है और 1 चम्मच इसमें हमने नमक डाल लेना है और आधा चम्मच इसमें हमने हल्दी पाउडर ऐड कर लेना है। ये देखिए, हमने हल्दी पाउडर मिला लिया है। अब इसको उबलने देना है और उबाल आने पर ही हमको इसमें अपने जो कटे हुए जो आम के ये जो टुकड़े हैं, इनको डाल देना है। ध्यान रहे कि नीचे से हमारे आम जुड़े रहेंगे, इनको अलग नहीं करना है। बस ऊपर से हमको 4 भागों में इसको डिवाइड करना है और ज़्यादा नहीं, 4 से 5 मिनट बस उबलने देना। बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है इनको। हमको हल्का सा जब लूज़ हो जाते हैं तब हमको इसको गैस ऑफ कर देना है। ये देखिए, उबलते हुए 5 मिनट हो गए। हमारे आमों का कलर भी बहुत बेहतरीन आ गया है। ये देखिए, हल्दी के कारण इसका कलर एकदम चेंज हो गया है। अब हम इसको गैस बंद कर लेना है और इसको ठंडा कर लेना है थाली में रख के। इसके पानी को हमको फेंक देना है, उस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। ये देखिए, अब हमने दूसरा साफ़ पानी ले लिया है। ये 750 ग्राम पानी है हमारा, सॉरी 750 ग्राम लीटर है। इसमें भी हमने थोड़ा 1 चम्मच नमक मिला लिया है और ये देखिए 1/4 चम्मच हमने हल्दी पाउडर मिला लेना है। और ये क्या है हम, और इसमें ये देखिए 8 से 10 लाल मिर्च ले लेनी सूखी वाली। और बस इसको बॉईल करना है मीडियम लो फ्लेम पर। ये देखिए, इसी पानी का इस्तेमाल हम इसकी पानी वाले अचार को बनाने के लिए करेंगे। इसमें देखिए 1/4 कप, 1/4 कप हमने सरसों का तेल जो हमारा है बढ़िया ले लेना है, कच्चा तेल। और अब इसको बॉईल होने देना है, ये ही बढ़िया पक जाएगा। और इस अचार की खासियत ये है कि ये सालों तक ख़राब नहीं होता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है इसमें। इसमें गीले चम्मच का या पानी का, कच्चे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और इसको थोड़ा सा ध्यान से आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये सालों तक नहीं ख़राब होता। हमारे यहाँ तो काफ़ी दिनों तक चलता है, साल भर से ज़्यादा चलता है। ये देखिए, ये आधा रह गया, आधा लीटर पानी हमारा। अब इसको ठंडा कर लेना है रख के। अब तब हम दूसरा मसाला अपना तैयार करते हैं। ये देखिए, हमारा ऑल इन वन मसाला है। इसका हमने वीडियो बनाया हुआ है। ये बहुत जगह यूज़ होता है। इसको सब्जियों में, भरवा में हम इस्तेमाल करते हैं और अचार भी बहुत तरह के इससे बन सकते हैं। मिर्च का अचार, आम का अचार, कटहल का अचार, आंवले का अचार, आप बहुत सारे अचारों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, तो आप वहाँ से इसको बना लीजिएगा। तो ये हमने 5 चम्मच ले लिया है अपना ऑल इन वन मसाला पाउडर। और इसमें जो आपने राई होती है, जो पीली वाली सरसों होती है, उसको थोड़ा सा दो दो टुकड़े में हमको हल्का सा पीस लेना है और इसको अच्छी प्रकार से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, और तो सारे मसाले मिले हुए हैं हमको। और ये मसाला आप स्टोर करके रख लेंगे तो आप बहुत सारे आइटम बना सकते हैं। तो देखिए, राई हमने इसमें ऐड कर ली है और थोड़ा सा हमने नमक और मिला दिया, क्योंकि राई मिलाई हुई तो नमक हल्का हो जाता है। तो नमक और लाल मिर्च, आप इसका तीखापन अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। इस मसाले की खुशबू बहुत अच्छी होती है। आप देखिएगा, बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके बिल्कुल बनाते बनाते इसकी खुशबू से ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और ये हमने लहसुन भी छील ली है 1.5 पोथी तक, 1.5 गांठ लहसुन छील ली। अब हमको इन आमों में इस मसाले को भर लेना है, जिस प्रकार से मैंने भरा हुआ। ये देखिए, अच्छी प्रकार से दबा दबा के, ये देखिए, एक आम में हमको भर लेना। आप किसी भी प्रकार के आम का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देसी आम ले सकते हैं, कलमी आम ले सकते हैं, लेकिन मीडियम साइज़ के लीजिएगा। मीडियम स्मॉल साइज़ के आम ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। और देखिए, इसमें काफ़ी गूदा है और बीच में एक एक लहसुन जो है उसकी कलियां हम इसमें दबाते जाएंगे। और जो इस आम के अंदर जो सफ़ेद रंग की इसकी बीज रहता है, उसको आपको एक आध बीज इसमें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि वो भी पकने के बाद उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
आप चार बीज के टुकड़े रहेंगे तो उसमें से एक आध छोड़ दीजिएगा तो बहुत टेस्टी लगेगी। देखिए सारे आम हमने भर लिए, देखिए बिल्कुल परफेक्ट नाप का मसाला इसका है, देखिए। और अगर हमारा थोड़ा सा मसाला बच भी जाता है तो उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। आप हमारे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि हमने कैसे इसको डाला हुआ है। और इसको देखिए, जो भी आप कांच की बर्नी लें या अच्छी वाली प्लास्टिक के जो बर्तन हैं उसका इस्तेमाल करें अच्छी क्वालिटी के, और खड़ा खड़ा सीधा ही रखना है जैसे मैंने रखा हुआ है, इसको सीधा रखना है जिससे इसका जो मसाला है झड़ता नहीं है। और ऐसे टाइट करके फिक्स कर लेना है, बहुत ऊपर तक नहीं बढ़ना है, ऊपर का पार्ट थोड़ा सा आप खाली रखेंगे क्योंकि इसमें जब हम लोग रसा भरते हैं, और ये देखिए लहसुन की जो कलियाँ बची हैं और जो मसाले बचे हुए हैं उसको ऊपर से हमको डाल लेना है। ये देखिए प्लेट में या आपके बर्तन में रहता है तो ये देखिए। अब हम ये पानी बिल्कुल ठंडा हो जाने पर इसको ऐड करना है इसमें, ये हमारा पका हुआ पानी, इसको अच्छे प्रकार से चला लीजिए क्योंकि हल्दी और नमक नीचे बैठ जाते हैं। अब हम इस जार में इस पानी को हमको भर लेना है ऊपर तक, बहुत फुल मत भरिएगा क्योंकि जब हमारे जो दो तीन दिन में आम थोड़े से पानी खुद भी छोड़ते हैं अंदर से, ये देखिए, तो ये आपका जो जार है ये बिल्कुल ऊपर तक फुल हो जाएगा क्योंकि आम थोड़े से उसमें सिकुड़ जाएंगे अंदर, थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए अंदर की तरफ, और देखिए आप लोग बना के इसको ज़रूर एक बार ट्राई करें और हमको ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपका अचार कैसा बना है। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो हमको ज़रूर कमेंट में बताएं, और अगर पसंद आता है तो आप जानते ही हैं आपको क्या करना है। तो लास्ट में इसमें एक से दो चुटकी हींग ऐड करना है और दो से तीन दिन में खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा और पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।